चलो अब किरखॉफ के नियमों का उपयोग करके कुछ सवालों का अध्ययन करेंगे। देखना, स्वाध्याय का पहला सवाल है, कह रहे हैं किसी कार की बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओमेगा हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात करना है। मतलब यहाँ इस सवाल में एक बैटरी दिया गया है जिसका विद्युत वाहक बल दिया गया है और जिसका आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है। यहाँ पर देखना, सबसे पहले एक हम विद्युत परिपथ बनाएंगे। यहाँ पर देखना, एक बैटरी ले लिया, ठीक है, और ये बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ले लिया, ठीक है। अब यहां पर देखना, कोई प्रतिरोधक तार की चर्चा नहीं है, इसलिए कोई प्रतिरोधक या कोई प्रतिरोध आर नहीं जोड़ेंगे। अब यहां पर देखना, ये बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है। आंतरिक प्रतिरोध को इस तरह से हम दर्शाते हैं, ठीक है ना। अब ये आपका एप्साई हो गया EMF, और ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो गया आर। अब यहां इस परिपथ का नाम लिखते हैं ABCD। अब देखना, बैटरी के प्लस सिरे से विद्युत धारा का प्रवाह होता है I विद्युत धारा, तो I विद्युत धारा, यहाँ पर I विद्युत धारा, फिर यहाँ पर I विद्युत धारा, फिर लौट कर वापिस आ जाएगी I विद्युत धारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, इस सवाल में EMF का मान एप्साई बराबर 12 वोल्ट दिया गया है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है, 0.4 ओमेगा दिया है, और यहाँ प्रवाहित होने वाली अधिकतम विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना आप कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पर एक देखना, बंद परिपथ है चारों तरफ से, बंद परिपथ ABCDA में किरखॉफ का दूसरा नियम लगाने पर, यहाँ पर देखना, बंद परिपथ ABCDA में जब किरचॉफ का दूसरा नियम, या किरचॉफ का या किरखॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे, तो देखना ए से बी की ओर जा रहे, कोई प्रतिरोध नहीं है, बी से सी में भी कोई प्रतिरोध नहीं है, सी से डी की ओर आने पर प्रतिरोध स्मॉल आर है, और हम धारा की दिशा में जा रहे हैं। जब धारा की दिशा में जाते हैं तो माइनस का IR, और कहीं कोई कोई प्रतिरोध नहीं है, माइनस का IR बराबर। अब इसी क्रम में आप आगे बढ़ो, ए से बी, बी से सी, सी से डी जाने पर बैटरी दिख रही है, और सी से डी की ओर जाने पर बैटरी का माइनस वाला सिरा सामने दिख रहा है, तो वही माइनस का IR बराबर माइनस का एप्साई, दोनों पक्षों में माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो IR इक्वल्स टू एप्साई, तो I बराबर एप्साई बटे R हो जाएगा। अब एप्साई का मान देखो 12 वोल्ट है, बटे स्मॉल R का मान 0.4। अब 12 में जब 0.4 का भाग देंगे 30 आएगा, इसका मतलब इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली अधिकतम विद्युत धारा का मान कितना होगा, 30 एम्पियर होगा। अब इसी मेथड का है सवाल नंबर दूसरा, ध्यान देना, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली जो बैटरी है उसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओमेगा है, और जिसे किसी प्रतिरोधक के साथ जोड़ा गया है, और जब प्रतिरोधक के साथ जोड़ा गया है तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान 0.5 एम्पियर है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना है वो निकालना है, और बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात करना है। तो इस सवाल में देखना, एक बैटरी है, अब देखना बैटरी का ये विद्युत वाहक बल और ये बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध जोड़ दिया। अब इस बैटरी को एक प्रतिरोधक के साथ जोड़ा गया है, तो यहां पर देखना, बैटरी का ये प्रतिरोधक प्रतिरोध जो है उसको जोड़ दिया गया, और यहां पर इसको लाके यहां पर मिला दिया है, ठीक है। अब यहां पर देखना ध्यान से, ये प्रतिरोधक आर है, ये आपका स्मॉल आर है, ये आपका एप्साई है। अब यहां प्लस सिरे से विद्युत धारा का प्रवाह होगा, तो आई विद्युत धारा, फिर यहां पर आई विद्युत धारा, फिर यहां पर आई विद्युत धारा प्रवाहित होते हुए, फिर यहां पर आई विद्युत धारा प्रवाहित होते हुए आएगी और लौट कर फिर यहां वापस आ जाएगी। यहां पर देखना आप ध्यान से, इसका नाम लिख दो ABCD। यहां पर देखना ध्यान से, इस सवाल में देखना ध्यान से, एप्साई का मान 10 वोल्ट दिया गया है विद्युत वाहक बल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 3 ओमेगा दिया गया है, परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I बराबर 0.5 एम्पियर दिया गया है। अब यहाँ R का मान पूछ रहे हैं, तब यहाँ पर देखना, अब बंद परिपथ ABCDA में किरखॉफ का दूसरा नियम अप्लाई करेंगे, तब A से B की ओर जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो माइनस का IR। अब इसी क्रम में आगे बढ़े, अब सी से डी की ओर आएंगे, प्रतिरोध स्मॉल आर दिख रहा है, और सी से डी की ओर मतलब फिर धारा की दिशा में, तो माइनस का आई स्मॉल आर। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, बराबर बैटरी का माइनस सिरा सामने आ रहा है, तो माइनस का एप्साई। अब यहां तीनों में माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो आपका IR प्लस IR बराबर एप्साई।
अब यहां पर I का मान 0.5 इंटू कैपिटल R प्लस I का मान 0.5 इंटू स्मॉल R का मान 3 बराबर 10 आपका हो जाएगा। तो 0.5 R इन दोनों का गुणा करने पर 1.5 आएगा बराबर 10। तो 0.5 R बराबर 10 माइनस 1.5, यहां घटाने पर 8.5 आएगा। तो कैपिटल R बराबर 8.5 बटे 0.5, हल करने पर 17 आएगा। इसका मतलब यहां पर R बराबर 17 ओमेगा। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना हुआ? 17 ओमेगा। अब हमको टर्मिनल वोल्टेज याद करना है, बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज या सेल का टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज का दो सूत्र में बताया था, अगर बैटरी के प्लस सिरे से विद्युत धारा निकल रही हो तब टर्मिनल वोल्टेज V बराबर एप्साई माइनस आईआर, और अगर बैटरी के माइनस सिरे से विद्युत धारा निकल रही हो तब यहां पर एप्साई प्लस आईआर होता है। लेकिन यहां प्लस सिरे से देखो विद्युत धारा निकल रही है बैटरी में, इसलिए V इक्वल्स टू एप्साई माइनस आईआर। एप्साई का मान 10 माइनस आई का मान 0.5 इनटू स्मॉल आर का मान 3, यहां 10 माइनस इनको गुणा करने पर 1.5 आ जाएगा, घटाने पर कितना आएगा 8.5 वोल्ट। इसका मतलब यहां पर बैटरी या सेल का टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा? 8.5 वोल्ट है। अब यहां पर देखना स्वाध्याय का 11वां सवाल है, अच्छा सवाल है, ध्यान देना। 8 वोल्ट ईएमएफ वाली बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओमेगा है, इसे 15.5 ओमेगा प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत से चार्ज किया जाता है। मतलब ये जो बैटरी है 8 वोल्ट वाली, इसको चार्ज किया जा रहा है 120 वोल्टेज के डीसी स्रोत से जोड़ने पर, और जो प्रतिरोधक तार उपयोग किया गया है उसका प्रतिरोध कितना है? 15.5 ओमेगा है। तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा और बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज याद करना है। तो चलो सबसे पहले यहां पर हम बना दिए हैं बैटरी, ठीक है, ये देखना बैटरी का प्लस सिरा और माइनस सिरा, और ये उसका आंतरिक प्रतिरोध बना दिया, ठीक है। अब यहां पर जो डीसी स्रोत है, अब डीसी स्रोत अपने बनाएंगे। अब गौर करना, जो बैटरी का प्लस सिरा है, अब जैसे यहां डीसी स्रोत में बनाऊं तो प्लस माइनस डीसी स्रोत। अब बैटरी के देख प्लस सिरे से डीसी स्रोत का प्लस सिरा जोड़ना है और माइनस सिरे से माइनस सिरा जोड़ना है, लेकिन बीच में एक प्रतिरोधक भी जोड़ना है। तो प्रतिरोधक कैपिटल आर है, तो ये प्रतिरोधक देखो कैपिटल आर यहां पर जोड़ दिया, और ये आपका प्लस माइनस, ये आपका प्लस माइनस, ये आपका एप्साई है, मतलब ये बैटरी का ईएमएफ है, और ये आपका वी है, मतलब ये डीसी स्रोत का वोल्टेज है, और ये स्मॉल आर है, इसका मतलब ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। नाम लिख दो ए बी सी डी, ठीक है। अब यहां गौर करना ध्यान से, अब जो एप्साई है और ये भी है, इन दोनों में से जो ज्यादा वोल्टेज का होगा उसी के प्लस सिरे से विद्युत धारा का प्रवाह होगा। यहां पर वी का मान 120 वोल्ट है, एप्साई का मान 8 वोल्ट है, इसका मतलब वी के प्लस सिरे से आई विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अब ये आई विद्युत धारा प्रवाहित होती हुई यहां आएगी, फिर यहां से प्रवाहित होती हुई यहां जाएगी, फिर यहां से प्रवाहित होती हुई यहां आएगी, फिर यहां से प्रवाहित होती हुई यहां जाएगी, और यहां से लौटकर वापस चली जाएगी, ठीक है। तो यहां पर देखना एप्साई का मान 8 वोल्ट दिया है, आर का मान 0.5 ओमेगा दिया गया है, कैपिटल आर का मान 15.5 ओमेगा दिया है, वी का मान 120 वोल्ट दिया है। अब बंद परिपथ ए बी सी डी ए में किरचॉफ का दूसरा नियम अप्लाई करने पर, यहां पर देखना अब बंद परिपथ ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो देखना धारा की दिशा में जा रहे हैं, यहां पर प्रतिरोध स्मॉल आर है, तो माइनस का आई स्मॉल आर, फिर उसके बाद बी से सी में प्रतिरोध नहीं है, अब सी से डी की ओर आएंगे, इसका मतलब यहां पर देखो फिर धारा की दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब माइनस आई कैपिटल आर। अब इसी क्रम में देखना आप कहीं कोई प्रतिरोध नहीं है, अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, ए से बी की ओर जाने पर यहां पर बैटरी का प्लस सिरा सामने आ रहा है तो प्लस का एप्साई, अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे बैटरी का माइनस सिरा सामने आ रहा है तो यहां माइनस का वी हो जाएगा, देखो ये वी है तो ये माइनस का वी हो जाएगा। अब यहां पर देखना ध्यान से, माइनस का आई इंटू स्मॉल आर का मान 0.5, फिर माइनस का आई इंटू कैपिटल आर का मान 15.5 बराबर एप्साई का मान 8 माइनस वी का मान 120। अब यहां पर देखना ये माइनस का 0.5 और ये माइनस का 15.5, तो यहां पर 0.5 और 15.5 बराबर 16 आई, और यहां पर घटाने पर माइनस का 112 हो जाएगा, तो यहां से आई बराबर आप देखो दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आई बराबर 112 बटे 16, तो यहां 112 में 16 का भाग देंगे 7 आएगा, मतलब आई बराबर 7 एम्पियर होगा। अब हमको ज्ञात करना है बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज, अब बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात करना है तो आप लोग यहां बहुत ध्यान से देखो, यहां पर देखना बैटरी के प्लस
सिरे से विद्युत धारा आपकी, देखना ये बैटरी है तो बैटरी के प्लस सिरे में विद्युत धारा प्रवेश कर रही है। यहां पर देखना बैटरी के प्लस सिरे से विद्युत धारा निकल रही थी, यहां प्लस सिरे में प्रवेश कर रही है। इसका मतलब यहां पर टर्मिनल वोल्टेज का सूत्र हो जाएगा वी बराबर एप्साई प्लस आई आर। अगर प्लस सिरे से निकल रही होता तो यहां से एप्साई माइनस आई आर होता, लेकिन प्लस सिरे से प्रवेश कर रहा है इसलिए एप्साई प्लस आई आर। यहां एप्साई का मान कितना है 8 दिया है, प्लस आई का मान 7 देखो निकाला हूं, प्लस स्मॉल आर का मान 0.5। यहां 8 प्लस 7 गुणे 0.5 करेंगे 3.5 आएगा। यहां इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 3 11.5 वोल्ट। इसका मतलब यहां पर टर्मिनल वोल्टेज बैटरी का कितना होगा 11.5 वोल्ट होगा। ओके,